हे गाइस वेलकम टू द व्लॉग। तो इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है वहीं से जहां पे झारसुगुड़ा से प्रयागराज आने वाला व्लॉग ख़त्म हुआ था। मैंने वापस से अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी है। मैं यहां से झारसुगुड़ा के लिए निकल रहा हूं। मैं यहां पे रोका इसलिए, मैंने शुरुआत इसलिए करी क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये है यमुना नदी। ये जो ब्रिज बना है ये है यमुना नदी पर, जो यहाँ पर हर साल संगम होता है वो आगे पे है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे संगम होता है। वो जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा आगे वाला, वहाँ पे जाके यमुना नदी ख़त्म होती है और उस साइड से ऐसे ऐसे आके गंगा नदी उधर को जाती है, उधर को। तो वो जो पॉइंट है वो है गंगा और यमुना जी का संगम। एक और भी नदी बहुत पहले के टाइम में थी, वो है सरस्वती नदी। तो इन तीन नदियों का संगम था इसलिए इसे महाकुंभ, मतलब यहाँ पे संगम बोलते हैं और यहाँ महाकुंभ होता है। आगे इधर अकबर का फोर्ट भी है। मौसम जैसा कि आपको देख के लग ही रहा होगा बहुत प्यारा हो रहा है। मेरे ख्याल से टाइम जो है वो अभी टाइम 8:15 हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। तो लेट तो मैं हो गया हूँ निकलने में, लेकिन उम्मीद है कि मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। बस निकलते हैं यहाँ से, मैं ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ ना ही टाइम वेस्ट करता हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा मेरे को। फिलहाल मैं मिर्ज़ापुर पहुंचा हूं। मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है 10:30 या 10:15 के करीब करीब। अभी यहां पे मेरे साथ जो घटना हुई उसमें ये था कि मेरे ख्याल से कहीं पे कुछ तो प्रोग्राम है, सारे पुलिस वाले जा रहे हैं। अब मैं गाड़ी तो यूजली तेज़ चलाऊंगा ही क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस करनी है, तो मैं तेज़ चला रहा था। तो जो ASP की गाड़ी थी वो मेरे से आगे नहीं निकल पा रहा था, तो उसने थोड़ी सी जगह मिली तो उसने मेरे को ओवरटेक किया और उसकी दादागिरी देखो, मेरी गाड़ी रोक के फिर मुझे गालियाँ वालियाँ दे रहा है कि मारूंगा, ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मैंने कहा भाई मतलब ये तो ख़तरनाक ही चल रहा है। बोला है हूटर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा तुम्हारे लिए रोड थोड़ी है, मेरे लिए भी रोड है। लेकिन फिर वो चला गया, उसने कुछ किया नहीं उसके अलावा। तो मिला जुला के कहने का मतलब यही है कि पुलिस वाले जो चाहें जो कर सकते हैं। बस ये था कि लीगली मेरे पास कोई गलती नहीं थी, उसने रोका तो सही पर मेरे को कुछ पूछा नहीं। लीगली मैं कम्प्लीट था और मेरे से गलती ये हो गई कि मैं उस गाड़ी को, मैं थोड़ी देर रुक गया और वो गाड़ी गायब हो गई। मैं उस गाड़ी का नंबर शायद से होगा, मैं वीडियो में अगर ढूंढूंगा तो शायद नंबर मिलेगा। उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा था। मैं रिकॉर्डिंग करता ना तो मैं ढंग से उसकी बताता फिर मैं क्या क्या करता हूँ, फिर मैं मतलब उसकी सारी गुंडागर्दी निकालता। लेकिन गलती मेरे से वही हुई कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, क्योंकि ऐसे लोगों को पब्लिक में लाना बहुत ज़रूरी है जो मनमानी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं। ये देखो सामने से दो पुलिस वाले जा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना है, ना ड्राइवर ने पहना है ना चलाने वाले ने पहना है। ये सबको ज्ञान देंगे हेलमेट क्यों नहीं पहना है। समय हो रहा है 1:04 और मैं यूपी का बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूं और मैं छत्तीसगढ़ में एंटर होने वाला हूं। फ़िलहाल तो रोडें काफ़ी अच्छी रही हैं। मिर्ज़ापुर के आसपास, मतलब वो विंध्याचल वाला जो एरिया है वहां रोड्स ख़राब हैं थोड़ी यूपी में। उधर से अगर आप आते हो, इधर से मैं आया नहीं क्योंकि अक्सर जाम लग जाता है। हालाँकि सुबह फ्री रहता पर फिर भी गलती तो हो गई। 1:04 या 1:05 हो रहे हैं और किसी भी जर्नी में आजकल मेरा जो एम रहता है वो ये रहता है, खास करके लॉन्ग रूट है तो 55 से 60 के बीच का एवरेज मेंटेन रहे, अगर इंक्लूडिंग हॉल्ट्स एंड एवरीथिंग।
तो सही रहता है। 270 किलोमीटर मैंने कर लिया है अभी तक, गाड़ी पूरी गंदे तरीके से गंदी हो रखी है क्योंकि मेरे गांव में इतनी धूल मिट्टी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी ना, क्या बताऊँ मैं। जो भी था प्रोग्राम अच्छे से निपट गया, सब कुछ फिनिश। भाई चल रहा है अपनी क्या मंजिल, मंजिल तो नहीं ठिकाना, भाई जा रहा है अपने ठिकाने पे। काफ़ी ख़तरनाक पेस मेंटेन की हुई है। अभी अंबिकापुर पहुंच गया हूं मैं, टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से तीन बज रहे थे, तो यहां से 220 किलोमीटर और है। बहुत देर से बैठे बैठे बोर हो गया था, मैंने सोचा गोलगप्पे खाता हूं। और एक चीज़ और आपको बताना भूल गया मैं, यूपी में अभी जो डीजल का रेट है वो है 65 पॉइंट समथिंग, उड़ीसा में है 71 और छत्तीसगढ़ में 70। एक लीटर पीछे स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा की 6 रुपये ज़्यादा कमा रही है डीजल में, ऑलमोस्ट 6 रुपये। सोचो कितना ज़्यादा डिफरेंस है और कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते होंगे ये लोग, कितना ज़्यादा टैक्सेस से प्रॉफिट कमाते होंगे। बहुत सारे गोलगप्पे खा लिए मैंने, सब रास्ते पर हालत ख़राब रहेगी, पर अच्छे थे, खट्टे थे एक्चुअली, मुझे खट्टी चीज़ें पसंद हैं। इधर पीछे अभी ट्रकों का जो आपने देखा, मैं पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम रिकॉर्डिंग बंद थी। बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब मेरे ख्याल से जो भी ट्रकों में लदा हुआ होगा सबका नुकसान हुआ है। ट्रक का आगे का पोर्शन ही पूरा गया है, ट्रेलर का जो आपने अभी देखा, उसके आगे भी तीन, मतलब मेरे ख्याल से एक साथ सीरीज में कॉलिजन हुआ है, कई सारी ट्रकों का एक साथ हुआ है। हाँ, गंदा था। अभी आपने वो ट्रेलर देखा कितना ज्यादा लंबा था भाई, मतलब मैं मोड़ पे था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर से चढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी के ऊपर था उसका, मतलब कुछ पोर्शन तो खतरनाक लंबा था भाई। ऐसे में तो रात को एक्सीडेंट होने तय है अगर ये सब गाड़ियां रात में चलेंगी तो। मुझे लगता है इतनी लंबे ट्रेलर्स को रात में मना कर देना चाहिए, नॉट सेफ, क्योंकि ये सिंगल रोड्स हैं। अब मेरे सामने ये जो रोड आ रहा है अभी, ये जो ऐसा टर्न हो तो वो तो पूरी रोड ले लेगा, उतना बड़ा ट्रेलर। पहुंच गया मैं 6:40 पे, मतलब 10 घंटे और 15 मिनट, तो ये अब तक का फास्टेस्ट रिकॉर्ड है। और वैसे भी 650 किलोमीटर्स को 10.5 घंटे में करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी इन रास्तों पे जब आपको हाईवे नहीं मिलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये मेरे पीछे का व्यू है, मेरे रूम के पीछे का व्यू, और यही थी पूरी कहानी। पुलिस वालों की गुंडागर्दी देख ली आपने रास्तों में, खैर मैं आपको दिखा नहीं पाया। अब जो भी है, जो मैंने स्टोरी आपको बताई है वो सच है, मेरा पूरा दिमाग ख़राब रहा रास्ते में कि वो लोग ज़बरदस्ती का गाली दे के चले गए यार, मतलब दबंगे ही देखो आप। ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बोल रहे हैं तुम्हें हूटर सुनाई नहीं दे रहा है। अरे भाई रोड है, तुम भी जाओ मैं भी जाता हूँ, हूटर तो तुम पूरे टाइम बजाते हुए आ रहे हो। खैर, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई को फॉलो कर जरूर करना, @mistrology इंस्टाग्राम। बाय।